होती है ये गाने लता जी, आशा जी या किसी प्रोफेशनल सिंगर्स ने गाए हुए हैं और ये हायर रेंज के गाने होते हैं और उस रेंज में एवरेज गायक गा नहीं पाते। भगवान ने हमको जो आवाज की रेंज दी है उसमें भी अगर आप ये गाने गाते हो तो उससे कोई मधुरता बिगड़ती नहीं है। भगवान ने जैसे हरेक इंसान को, हरेक व्यक्ति को थंब इम्प्रेशन दिया हुआ है, आई इम्प्रेशन दिया हुआ है, वैसे ही वोकल इम्प्रेशन दिया हुआ है। तो यदि आप ये प्रोफेशनल सिंगर्स में गाए हुए हायर रेंज के गाने आपकी वोकल रेंज में गाते हो तो मधुरता बिल्कुल बिगड़ती नहीं है। मेरे ये कराओके ट्रैक्स मैं ऐसे ही एवरेज सिंगर्स अपनी रेंज में गा पाएंगे, इसलिए उनके लिए ये कराओके ट्रैक्स बना रहा हूँ। नंबर दूसरी बात, ये लिरिक्स जो हाइलाइटेड होते हैं वो हाइलाइटेड होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। लिरिक्स की जरूरत क्यों पड़ती है? शब्द याद रखने के लिए। तो शब्द कराओके ट्रैक्स पर होना स्टेशनरी ज्यादा फायदेमंद होता है, उससे आपको शब्द तो याद आते ही हैं। हाइलाइटेड में मुश्किल ये होती है कि वो अगर हाइलाइटिंग सिंक्रोनाइज नहीं रहा तो वो ताल में पीछे पड़ जाती है हाइलाइटिंग और ताल आगे बढ़ता रहता है और सिंगर्स को आदत लग जाती है वो हाइलाइटिंग को देखकर उसके साथ गाना और उनकी ताल में गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए ये लिरिक्स का स्टेशनरी होना बहुत बहुत फायदेमंद होता है। कराओके ट्रैक्स को लेकर जो ड्रॉबैक्स हैं इसके बारे में अधिक जानकारी आपको समझ में आए इसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे जो वीडियोस की लिंक्स दी है उनको आप देखिए, आपको कराओके ट्रैक्स के जो ड्रॉबैक्स हैं उसकी समझ अच्छी होगी।